हाय दोस्तों, मैं हूं सुमित कड़ेल और आज मैं रिव्यू करूंगा बिग बॉस 13 के 9th ऑफ दिसंबर के एपिसोड को। तो इस बार बिग बॉस ने पार्शियलिटी की, बायसनेस की सारी हदें पार कर दी है। इस बार इन्होंने ऐसा भेदभाव किया है इस सीजन में जो कि ऑडियंस को साफ साफ नजर आ रहा है, और हर एक एस्पेक्ट, हर एक चीज इस शो का फिक्स लग रहा है, रिक्ट लग रहा है और स्क्रिप्टेड लग रहा है। ऑडियंस का भरोसा इस शो पे से उठते जा रहा है और ये ऑडियंस को साफ साफ नजर आ रहा है कि कलर्स की टीम, बिग बॉस की टीम साफ साफ कुछ कॉन्टेस्टेंट्स को फेवर कर रहे हैं और उन्हें ही प्रमोट कर रहे हैं और उन्हें ही जिताने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कल के वीकेंड का वार के एपिसोड की। जब आपने देखा कि हिमांशी खुराना को इन्होंने जानबूझ के एविक्ट किया, पहले 3 दिन पहले इन्होंने पारस को बाहर भेजा फॉर द सर्जरी जो कि एकदम फेक था। ये हम सबको मालूम है कि इट वॉज एब्सोल्युटली प्लांटेड एंड फेक, क्योंकि बिग बॉस को मालूम था कि पारस को लगातार 2-3 हफ्तों से बहुत ही कम वोट्स आ रहे हैं, वो वोटिंग की टेबल में हमेशा बॉटम पे आ रहे हैं। उनको मालूम था कि अगर पारस को हम नहीं भेजेंगे तो हिमांशी उनको हरा देगी, क्योंकि हिमांशी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है पूरे इंडिया में, खास करके पंजाब में, तो उनको वोट्स पारस से कम 4 से 5 गुना बेसी आएंगे। तो अगर हम पारस को निकाल देंगे तो हमें गंदी टीआरपी कैसी मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने पारस को 2-3 दिनों के लिए बाहर भेजा और हिमांशी को जबरदस्ती का एविक्ट किया, वोटिंग के जरिए नहीं किया, वोटिंग के जरिए किया। उनका कहना था कि दोनों को सेम वोट्स आए हैं, शेफाली को और हिमांशी को। दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है कि लाखों करोड़ों वोट्स आते हैं उसमें किसी का वोटिंग दो कंडीशंस का सेम टू सेम होगा? 1,26,000, 1,26,000, 1,65,000, 1,65,000, ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। तो इस तरीके से हिमांशी को आउट कर दिया ताकि पारस बच जाए और असीम का जो एक ही घर में सहयोगी है, असीम का जो एक ही ट्रू फ्रेंड है, उससे असीम को डिमोटिवेट किया जाए, उसको निकाल के और असीम की गेम को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ठीक बात, इन्होंने कॉलर ऑफ द वीक में असीम के लिए बुलवाया कि वो हिपोक्रिट है, वो आरहान के चमचे बन गए हैं और कुछ और भी अपशब्द बातें कॉलर ऑफ द वीक से कहलवाई, जो कि एकदम प्लांटेड था, आउट ऑफ नो वेयर ये एंगल बिग बॉस ने लेके आया ताकि असीम को और डिमोटिवेट किया जाए, उनकी गेम को एकदम खराब कर दिया जाए। लेकिन असीम ने बहुत ही बखूबी से उस सिचुएशन को हैंडल किया और बहुत ही कम शब्दों में उसको आंसर दिया उस कॉलर ऑफ द वीक को। उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला को भी सलमान खान को कुछ कहने नहीं दिया। सलमान खान ने फिर भी कहा, बहुत अच्छा कहा, लेकिन जो जो वो डिजर्व करते थे, जितना वॉयलेंस इन्होंने किया, उस हिसाब से कुछ भी सिद्धार्थ शुक्ला को कहा नहीं गया, ना सहनाज को कहा गया, ना पारस को कहा गया, जो पारस ने इतनी गंदी गेम खेली थी एज अ संचालक उस टास्क में, उसके लिए भी पारस को कुछ भी ऐसा कहा नहीं गया जिसकी वजह से ऑडियंस को अच्छा लगता। माहिरा को तो कुछ बोलते ही नहीं है। तो दोस्तों, हर एक हिसाब से ये पूरा शो रिग्ड लग रहा है, फिक्स लग रहा है, जिसमें पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिद्धार्थ शुक्ला, पारस, सना और माहिरा की गेम को दी जा रही है, पूरी तवज्जो इन चारों लोगों को दी जा रही है। आज के एपिसोड में, 9th ऑफ दिसंबर के एपिसोड में, आपने देखा होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला को इन्होंने सीक्रेट रूम में भेज दिया कि वहां पे उनका इलाज होगा। ये ऑडियंस को मालूम नहीं था कि बिग बॉस के अंदर में जो सीक्रेट रूम है वो एक हॉस्पिटल है। ये आज हम लोग को अब मालूम पड़ा कि वहां पे पूरे डॉक्टर्स की टीम है, पूरी ग्लूकोज, सेलिन, जो भी तमाम जो सुविधाएं होती है एक बड़े हॉस्पिटल में, वो बिग बॉस के सीक्रेट रूम में अवेलेबल है। वहां जाके इन्होंने पारस को भी ले आया। अब वो पारस और सिद्धार्थ शुक्ला मिलकर अच्छी गंदगी अंदर में कर रहे थे। उनको एक एडवांटेज दिया गया कि आप आराम से इस शो को देखिए, खाए पिए, आराम कीजिए, मस्ती कीजिए। सिद्धार्थ शुक्ला को तो हमने नॉमिनेट किया है एज अ दिखावा, सबको मालूम है कि वो इस शो से बाहर नहीं हो सकते। पारस को एक और हफ्ता सेव कर दिया इन्होंने सीक्रेट रूम के जरिए। अगर बिग बॉस बायस नहीं होते, अगर कलर्स की टीम की ये फिक्सिंग नहीं होती, तो पारस को नॉमिनेशन के वक्त में घर के अंदर भेजते, तब हम मानते कि नहीं, ये बायस नहीं है। इसको इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि उनको लोग नॉमिनेट कर देते। आराम से सीक्रेट रूम में वो दोनों एंजॉय कर रहे थे। पारस ने शेफाली जरीवाला के कैरेक्टर की धज्जियां फिर से उड़ाई, उनके वही गंदी गंदी बातें, उनके साथ सोती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। तो बिग बॉस उसको जम के प्रमोट कर रहे हैं और आने वाले हफ्तों में वीकेंड का वार में फिर भी पारस को कुछ भी नहीं कहा जाएगा, जैसा कि आज तक कभी कुछ नहीं कहा गया। उसके बाद इन दोनों को एक पावर दिया गया कि आप जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से एक को सेव करें। तो उसमें भी इन दोनों ने सेव किया माहिरा को, जो सबसे वीक
सबसे इरिटेटिंग कंटेस्टेंट है इस सीजन में। उनको मालूम था कि ये दोनों माहिरा को ही चूज करेंगे, अब ये निकालेंगे मधुरिमा को। ये अभी से हम सबको मालूम है कि मधुरिमा को इस शो से निकाला जाएगा क्योंकि वो उस शो को कुछ दे नहीं पा रही। तो दोस्तों ये पूरा एक सिस्टम, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट रिग लग रहा है, वीक लग रहा है। कोई भी आ रहा है, कोई भी बाहर जा रहा है, बॉस को इन्होंने एक गार्डन बना दिया है। इनमें कोई वोटिंग से लेना देना नहीं है, कुछ भी फैन फॉलोइंग से लेना देना नहीं है। बिग बॉस जो इनकी फेवरेट जो टीम है, सना, शुक्ला, माहिरा और पारस की, पूरा कॉन्सेंट्रेशन, पूरा इनकी गेम को एक बहुत अच्छा पुश दिया जा रहा है कि ये लोग ऊपर दिखे। और असीम को, जिसकी एक जबरदस्त फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे, जो हर एक पोल में सिद्धार्थ शुक्ला को हरा रहे हैं, जिनको लोग इतना पसंद कर रहे हैं, उनकी गेम को पूरा डिमोटिवेट कर दिया गया है। सेम चीज हो रहा है शेफाली जरीवाला के साथ, सेम चीज हो रहा है आपका भाव के साथ। इन लोगों को एकदम डिमोटिवेट करके इनको कॉर्नर कर दिया गया है और हर चीज शुक्ला के अराउंड रिवॉल्व हो रही है, सना के अराउंड, माहिरा के अराउंड और पारस के अराउंड रिवॉल्व ये मेकर्स इनके कर रहे हैं। देखिए सहनाज ने कितना प्रवोक किया विशाल को, मासी मासी उनके अंदर घुस घुस के मासी कह रहे हैं, उनके कान में जाके इसको मासी कह रही है, बोलती है कि अगर कोई और मर्द होता तो मुझे झाड़ता, मुझे उससे डर लगता, लेकिन ये तो एक औरत है, ये एक मासी है, इसको मैं मासी बोलूंगी तो ये मेरे को कुछ कर नहीं पाएगा। अगर कोई और होता इसकी जगह पे और ये चीज सहनाज के साथ करते तो कलर्स की टीम, सिद्धार्थ शुक्ला और सना खुद उस कंटेस्टेंट का जीना हराम कर देती और उस बात का इतना बतंगड़ बनाती, जैसे जब उनको आंटी कहा गया तो कितना बतंगड़ बनाया गया उसका, और भाव को भी कितना झाड़ सुनाया गया सलमान खान के थ्रू। लेकिन जब ये सहनाज करती है तो इस शो में लोगों को बहुत मजा आता है, इसको एंटरटेनमेंट बोला जाता है और एक आदमी की जेंडर का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन बिग बॉस को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों अब ये आप उम्मीद रख के चलिए कि ये शो, ये जिनके मेकर्स है, या तो सहनाज को या सिद्धार्थ शुक्ला को ही ट्रॉफी देंगे, रनर अप बनाएंगे पारस को और माहिरा को, और असीम की ये गेम को पूरा खराब कर दिया गया है जो कि एक पोटेंशियल विनर है इस सीजन के। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये शो पूरी तरह से रिग्ड है, ये शो पूरी तरह से फिक्स है और ये साफ साफ ऑडियंस को नजर आ रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जम के इसमें वायलेंस हो रहा है, जम के धक्के मारे जा रहे हैं, जम के लोगों की पिटाई हो रही है, लेकिन बिग बॉस कुछ नहीं कह रहे हैं। और ऊपर से जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो लोग किसी औरत का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी के बाप को गाली दे रहे हैं, किसी को धक्का मार रहे हैं, उनको पुश किया जा रहा है, उनको बाहर भेजा जा रहा है, उनको घुमाया जा रहा है, उनको फिराया जा रहा है, उनको सीक्रेट रूम में भेजा जा रहा है, उनको एक बहुत अच्छा अच्छा जो सौगाते हैं वो दी जा रही है, उनको स्पेशल पावर्स दिए जा रहे हैं कि आप किसी को सेव करें, किसी को नॉमिनेट करें, और जो डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स है उनके साथ मजाक हो रहा है, ऑडियंस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऑडियंस की वोटिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है, और हर तरफ से ये शो बहुत ज्यादा पार्शियल है और बहुत ज्यादा रिक्त है। आपकी क्या राय है मेरे इस वीडियो पे, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपना गुस्सा आप ट्वीट्स के जरिए या कोई भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आप बिग बॉस को जरूर बताए कि आप लोग जो कर रहे हैं, ऑडियंस का मजाक उड़ा रहे हैं, ये हमें बर्दाश्त नहीं है, और इज्जत उतारने में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपकी मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सैनिंग ऑफ सुमित कड़ेल, थैंक यू।